They smell that. गृहनिर्माण मंत्र्यांनी घेतलेले मुंबई बृहन्मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या घर निर्माण करण्यासाठी आणि सामान्य माणसाला घर उपलब्ध करून देण्याचे अतिशय क्रांतिकारक निर्णय असतील किंवा महाराष्ट्रातल्या गृह विभागाच्या मार्फत किंवा आरोग्य विभागाच्या मार्फत घेतलेले निर्णय असतील या सर्वच कामात ची मांडणी या पुस्तकाच्या मार्फत केलेली आहे. ग्रामविकास मंत्र्यांनी स्मार्ट ग्राम योजनेचा आराराबांच्या नावाने सुंदर गाव पुरस्कार देण्याचं काम असेल, मुख्यमंत्री सडक योजनेची कामं असतील, कामगार विभागात केलेलं काम असेल, अशा वेगवेगळ्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन केलेलं काम हे उद्याच्या वर्धापन दिनाच्या दिवशी जनतेच्या समोर मांडण्यासाठी आम्ही एक छोटीशी पुस्तिका काढली आहे. मी माननीय जितेंद्र आव्हाड साहेबांना विनंती करेन आणि आमचे हेमंत टकले साहेब आमचे कोषाध्यक्ष यांना विनंती करेन की त्यांनी या पुस्तकाचं आपल्या सर्वांच्या समोर अनावरण करावं. आनंद बरोबर तुम्हाला काही मांडायचं आहे का, काही विचारायचं आहे? आम्हाला एवढंच सांगायचं होतं. उद्या 10 तारखेला राज्यसभेचं मतदान असल्यामुळे आम्ही ही 20 तारखेला सभा घ्यायचं ठरवलेलं, पण 20 तारखेला पण 19 तारखेला पण पुन्हा त्यावेळी विधान परिषदेची निवडणूक असल्यामुळं आता ती पुढच्या महिन्यात दिल्लीमध्ये राज्यात देशातील विद्यार्थी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी मिळून तो कार्यक्रम आयोजित केलेला होता. देशातल्या लोकांनी तो देशातल्या युवक आणि विद्यार्थी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या लोकांचा कार्यक्रम कार्यकर्त्यांनी पवारसाहेबांची वेळ घेऊन केलेली त्याला नवीन वेळ ठरवण्यात येईल. त्यांनी त्यांच्या ताकदीप्रमाणे मला वाटतं अर्ज मागे काढून घेताना त्यांचे जेवढे निवडून येत आहेत तेवढीच संख्या राहील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे आणि मतांचा घोडाबाजार होणार नाही यासाठी घोडेबाजार न होण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष हा साधनसुचिता सांभाळणारा पक्ष असल्यामुळं तो त्या मर्यादेत त्यांचे उमेदवार उभा करेल असा आम्हाला विश्वास आहे. असं काय नाही, कोणी इम्तियाज जलील यांचा माझा संपर्क झाला, ते मुंबईला आज येऊन भेटतो असं त्यांनी सांगितलेलं, ते त्यांच्या प्रवासात आहेत असं मला माहिती दिलेली आहे. सर हिंदी में जानना चाहेंगे कि आज 6 उम्मीदवार जेल में थे तो उन्होंने वोटिंग किया है इसके पहले जो चुनाव में, तो ऐसे में कैसे ये लोकशाही में जो विधायक चुन के आया है उनमें से विधान परिषद के और राज्यसभा के मेंबर चुन के जाने वाले हैं. मुझे लगता है कि कोर्ट ये सब मुद्दे सामने रख के ही निर्णय लेगी. अभी उनके ऊपर ना अनिल देशमुख जी के ऊपर या ना नवाब मलिक साहब के ऊपर कोई गुनाह सिद्ध हुआ है. अगर कोई सिद्ध नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि वो गुनहगार नहीं है और उनको यहाँ आके उनको कोई शिक्षा भी नहीं हुई है और इसीलिए उनको अगर शिक्षा नहीं हुई है तो उनको आने के लिए उनका हक पहुँचता है, ऐसा मैं समझता हूँ. सर छोटी पार्टियाँ या निर्दलीय इसमें निशाना साध रहे हैं क्या, 2.5 सालों में जो काम नहीं हुआ या बार्गेनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए जब चुनाव ऐसे कोई मुझे ऐसे कोई पार्टी बार्गेन करती है ऐसा दिखाई नहीं दिया. सब सामने से आके सपोर्ट कर रहे हैं.
सर बीजेपी का आरोप है कि एनडीए की सरकार की जीत का जीत पे अगर भरोसा है तो विधायकों को होटल में बदला क्यों जा रहा है, उनका आरोप है। नहीं नहीं, अभी कोविड का टाइम चालू हुआ है और अगर कोविड का टाइम चालू हुआ है तो हमारे सारे विधायक सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, इसलिए कुछ विधायक होटल में रहे, कुछ विधायक घूम रहे। आप यहाँ देखिए बहुत सारे विधायक इधर ही है, सही, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मुंबई में आके रहने के लिए उनको हमने सूचना दी है, क्योंकि दो दिन पहले हमारी तीनों पार्टियों की मीटिंग हुई, आज फिर एक मीटिंग हमारे राष्ट्रवादी के लोगों की भी है, विधायकों की है, तो ये तो सरासर मुंबई में आने की आवश्यकता, इसलिए उनको बुलाया गया था। नहीं, मी त्यांच्याशी संपर्क साधलेला नाही आणि त्यामुळे त्यांच्याशी काय संवाद झाला हे या क्षणी मला माहीत नाही, पण ज्यांनी साधलेला आहे ते निश्चित तुम्हाला सांगू शकतील। सर कल के सीएम जी की सभा थी, उस पे कहा गया संबंध का जो पांडव का नाम है कर दिया, लेकिन लिमिटेड टाइम में दिया गया उसको, तो उसको कुछ आपका सोच नहीं क्या? अभी इलेक्शन के बाद में ऐसे ये इलेक्शन, ये सबसे महत्व मैं आपको इसके लिए बुलाया, आपको विनती हमारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तरफ, लोगों के पास पहुंचाने के लिए आपका हमें समर्थन आवश्यक है। सर उद्या राष्ट्रवादीचा वर्धापन दिन आहे, पक्ष महाराष्ट्रातील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना 23वा वर्धापन दिन आहे आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा, उद्या 23 वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला। हा पक्ष महाराष्ट्रातल्या सर्व भागात सर्व जिल्ह्यात अतिशय वेगाने वाढतोय, तरुणांचं समर्थन फार मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भागात मिळते आणि त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या तरुणांचं आणि विशेषतः वेगवेगळ्या पक्षातल्या देखील, खास करून भारतीय जनता पक्षात गेलेल्या लोकांचं या पक्षा आमच्या पक्षाकडे येण्याचा ओढा हळूहळू वाढलेला दिसतोय आणि मला खात्री आहे की राष्ट्रवादीच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नाने, आदरणीय पवारसाहेबांच्या नेतृत्वामुळे या पक्षाला महाराष्ट्रात याच्यापेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त होईल। कैसे होगा 10 सीटों के लिए फिर से वोटिंग पैटर्न? अभी विड्रॉल के बाद में इसके ऊपर चर्चा करना ठीक रहेगा। लेकिन यही बात राज्यसभा के समय में आपने कही थी कि उम्मीद है कि बीजेपी विड्रॉ कर लेगी, लेकिन बीजेपी ने तीनों सीटों पर कैंडिडेट किया। बीजेपी से बहुत अच्छी उम्मीदें हम करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार हमारा भ्रम निराश होता है, लेकिन उम्मीद तो रखी जाती है। अभी बार बार जो उम्मीद तोड़ते हैं उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, फिर भी हम विधान परिषद के बारे में ये उम्मीद उनसे जताते हैं। राज्यसभा के चुनाव सामने हैं कल, और ऐसे में हर पार्टियां अपने विधायकों को अपने साथ रखे, निर्दलियों को लेकर के अब तक किस तरीके से आंकड़ा कर रहे हैं? बीजेपी अभी भी कह रही है कि चुनाव जीतेगी और सारे निर्दलीय उनको उनके साथ आएंगे। मुझे लगता है कि उनको जिन्होंने सपोर्ट किया है उतने निर्दलीय साथ लेने में हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन काफ़ी संख्या में राष्ट्रवादी और शिवसेना को निर्दलीय लोगों का पाठिंबा है विधानसभा के, और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे पास संख्या ज़्यादा है। छोटे दल सर जो हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन विकास अघाड़ी हो या फिर बच्चूगढ़ की तरफ से जिस पिछले कुछ दिनों में जो वक्तव्य आया, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या सब सुझा लिया जाएगा, क्या किस तरीके से आप लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? सारे जो जिन्होंने हमारे महाविकास आघाड़ी को पाठिंबा दिया था, सपोर्ट दिया था, वो सारे पार्टियां हमारे साथ हैं, अभी कोई उसमें तकलीफ नहीं है। हाँ, मेरी सुबह उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे कहा है कि वो आके मिलेंगे हमें। क्या समर्थन लेंगे अगर आप वो देते हैं समर्थन, तो आप समर्थन लेंगे भैया? उनके दो विधायक है विधानसभा में और हर वोट की वैल्यू है, महत्व है, और उसे लगता है, मुझे लगता है कि अगर वो सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करना चाहते हैं और वो बीजेपी को विरोध खिलाफ़ वोट देना चाहते हैं,
तो उनका हम स्वागत करेंगे। महाविकास आघाड़ी में शामिल होना और वोट देना ये दो अलग अलग बात है, आप दोनों को मिक्स मत करो। ये कल की इलेक्शन के बारे में आपने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। ऐसी धोरण लंबी बात हमारी उनसे हुई नहीं। चर्चा उद्या 10 जूनला वर्धापन दिन आहे आणि या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने गेल्या 2.5 वर्षात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सरकारमध्ये केलेलं काम, महाराष्ट्रात आमच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली वेगवेगळ्या क्षेत्रातली कामगिरी याचा उल्लेख करणारी एक पुस्तिका आम्ही आपणाला बोलून आज प्रकाशित करतोय। त्यासाठी मुद्दामून जितेंद्र आव्हाड आमच्या पक्षाचे राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री यांना आम्ही आज निमंत्रित केले, त्यांच्या उपस्थितीत या पुस्तकाचं प्रकाशन आम्ही करतोय। या पुस्तिकेमध्ये मागच्या 2.5 वर्षात आमचं सरकार महाविकास आघाडीचं आदरणीय पवारसाहेबांच्या पुढाकाराने स्थापन झालं, त्या 2.5 वर्षात सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आलेली कामगिरी आणि वेगवेगळे निर्णय आणि त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या सरकारमधल्या प्रतिनिधींनी आणि महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात विशेषतः कोरोनाच्या काळात जे संकट आलेलं आहे त्या संकटाच्या काळात जवळपास 1.5 वर्ष कोरोनाचं संकट होतं, या काळात पक्षाच्या वतीने केलेली कामं, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक खेडेगावापर्यंत पोहोचून पक्षाने केलेलं काम आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व नागरी वसाहती नगरपालिका महानगरपालिकेत आमच्या केलेलं कार्यकर्त्यांनी केलेलं काम हे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्रित संकलित करून आम्ही आज या ठिकाणी आपल्या समोर मांडण्याचं काम करतो या पुस्तिकेच्या माध्यमातून। या पुस्तिकेच्या माध्यमातून वित्त विभागापासून राष्ट्रवादीचे जे मंत्री मंत्रिमंडळात आहेत त्यांनी घेतलेले वेगवेगळे महत्त्वाचे निर्णय, विशेषतः शिवभोजन थाळी त्या दोघांचं मतदान हे व्हायला पाहिजे लोकशाहीनुसार, कारण त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही आणि म्हणून कोर्टात त्यांनी विनंती केलेली आहे की त्यांना मताचा अधिकार जो आहे तो बजावण्याची संधी मिळावी आणि आमची अपेक्षा आहे की कोर्टाने जो निर्णय दिलेला नाही आमची अपेक्षा आहे की कोर्ट याच्यावर योग्य विचार करून लोकशाहीची बूज राखून महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या सदस्याला त्याचा अधिकार बजावण्यासाठी कोर्ट देखील पुढाकार घेऊन मदत करेल। ये डेमोक्रेसी में जो चुनके आते हैं उनको वो अकेले नहीं है, उनके पीछे जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मतदार हैं 3-4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों के तरफ से वो वोट देते हैं, तो उनको जो वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है चुन के आने के बाद वो उसकी उसको एक्सरसाइज करना, वो उनको वोट देने के लिए मुझे लगता है कोर्ट भी ये सिचुएशन में उनको वोट देने के लिए सम्मति देगी, क्योंकि आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी अगर देश में रखनी है तो ऐसे लोगों में से चुन के आने वाले हर आदमी को वोट का अधिकार जो है वो वोट का अधिकार एक्सरसाइज करने को उनको संधि देना आवश्यक है। इसके पहले उनका कहना है कि जो सरकार को उन्होंने बाहर से समर्थन दिया था, कई सारी उम्मीदें थी महाविकास आघाड़ी से, कुछ उम्मीदें उनकी पूरी हुई है लेकिन बहुत ऐसे सवाल हैं, ऐसी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हुई, नाराजगी उन्होंने एक साफ तौर से जाहिर की है,
अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले, उन्होंने कहा कि हमें जो हमारी उम्मीदें अगर पूरी नहीं होती है तो लास्ट मोमेंट में हमें किसे वोट देना है, हम सोचने के लिए तैयार है, बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं। ये उन्होंने कहा है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो वोट काउंट करने के बाद ही समझेगा। और मुझे विश्वास है कि वो भी हमारी महाविकास आघाड़ी को समर्थन देंगे। हो जाएगी उनकी नाराजगी दूर, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। जिस तरीके से वोटिंग के लिए इसके पहले भी चमन दुर्गल साहब जब जेल में थे तो उन्होंने वोटिंग किया है।